मंदसौर जिला भाजपा कार्यालय पर सांसद ने की प्रेस वार्ता। कहा, जब संसद में चर्चा करना चाहिए तब कांग्रेस ने हंगामा किया। मानसून सत्र में 23 दिन चली संसद की कार्रवाई का लेखा जोखा और सरकार का पक्ष रखने के लिए रविवार को मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने 20 जुलाई से 11 अगस्त तक 23 दिन चले संसद सत्र में पारित 23 विधेयकों पर चर्चा की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब दुनिया की इकोनॉमी में देश आगे बढ़ रहा है, जब देश में कानून संशोधन प्रस्ताव पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए, तब कांग्रेस ने हंगामा किया, यह देश का दुर्भाग्य। उन्होंने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक से लेकर जीव विविधता, वन संरक्षण, जन्म मृत्यु पंजीयन, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और एकीकृत वास्तु एवं सेवा पर संशोधन विधेयक पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी और गांधी सरनेम पर तीखी टिप्पणी करते हुए हमला बोला। पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोनिया, राहुल का गांधी सरनेम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। असल में ये गांधी परिवार के ही नहीं है, ये नेहरू परिवार के वंश से आते हैं। दुनिया जानती है इंदिरा का विवाह फिरोज से हुआ था, उन्होंने ये सरनेम उठाया है, ये इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारत के झंडे को पार्टी का झंडा बना लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 13 बार लॉन्च किया गया है फिर भी फेल है। राहुल गांधी की अगली भारत जोड़ो यात्रा पर सांसद गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि संसद में जब बोलना था तो घुटनों में दर्द बता दिया, अब घुटने खराब नहीं है क्या? मीडिया से चर्चा करते हुए 1:55 पर रविवार को बताया गया। करने का मन बनाया, हमने अपने संविधान की रचना की और प्रजातांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर और लोकसभा में भेजा और तार्किक रूप से हर विधेयक पर, हर बिल पर, हर बात पर डिबेट होकर कानून बनाने की प्रक्रियाओं का अनुमोदन किया। लेकिन मैं 9.5 साल हो गए मुझे, मैंने इस सत्र में दुर्भाग्यपूर्ण क्षण देखे जहां बिना बात के बेबात के बतंगड़ बनाकर भारतीय कानूनों में, आधारभूत संरचनाओं में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में युवाओं की, महिलाओं की, अनुसूचित जाति जनजातियों की, किसानों की इच्छाओं के अनुरूप कानून बन सके, ऐसे कानूनों को बनने से रोकने का घृणित कार्य किया और लगातार लोकसभा संचालन की प्रक्रिया के लिए जो संहिता बनी हुई है उस संविधान का उल्लंघन करते हुए नित्य प्रति का हो हल्ला करके भारत को आगे बढ़ने से रोका। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था। न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है कि कुछ भारतीयों ने मिलकर चाइनीज कंपनियों के द्वारा प्रमोट उन एजेंसियों को, जॉर्ज सोरेस जैसे लोगों को सहयोग करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की मान मर्यादाओं को नीचे गिराने का काम भी किया। ये दृश्य इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि कांग्रेस जैसे बड़े संगठन ने और चाइना से सहयोग करने वाली एजेंसियों के साथ बैठकर देश के खिलाफ एक नैरेटिव फिक्स करने का घृणित कार्य किया। देश के बाहर भी, देश के अंदर भी और सदन में हमारे युवाओं के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे उद्योगों के लिए, हमारी कृषि के लिए, हमारे खनिज के लिए, हमारी सेनाओं के लिए हमने जो जो कानून बनाने के लिए आगे लाए बिना डिबेट के उन्हें पारित कराने के ऐसे इन्होंने कार्य किए, देश इसके कारण कहीं ना कहीं पीछे जाएगा। एक बड़े चिंतन का विषय है कि एक अंग्रेज द्वारा स्थापित कांग्रेस आज देश को अभी भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वैभवशाली दौर में आने के लिए रोक रही है और देश की जनता को इस पर चिंतन करना चाहिए। नहीं, मेरा एक बहुत साफ मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ शुरू से दो मुद्दों पर खड़ी है, उसकी स्पष्टता, एक राष्ट्रवाद और एक गरीब कल्याण। राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण से जो प्यार करेगा वो हमारे साथ रहेगा। हमारी नीतियों में बहुत स्पष्टता है, हमारी नीतियों में बहुत रेखांकित करते हुए, और इसीलिए भारतीय कानूनों में आज जब आपस में धर्म समाज को लड़ाने का काम घृणित कार्य होता है, मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए अब कोई छूट का अवसर नहीं है और इसीलिए फांसी के अलावा कोई रोक नहीं है। भारत एकजुट होकर दुनिया के सामने खड़ा होने वाला है और हम जानते हैं कि हमारी पार्टी के साथ जो भी आएगा वो राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण से प्यार करेगा, हमारे साथ रहेगा।